आपको जब भी कहीं भी कैसे भी मेरी जरूरत पड़े ना तो सिर्फ एक बार ही बुला। आपको नहीं लगता आप अपना प्रोफेशन बहुत जल्दी बदल देते? पहले मुर्गियों वाला और अब इलेक्ट्रिशियन। थैंक्स की तो मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन कम से कम प्यार से तो बोल सकते हैं आप। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? Because I love you. I love you. लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू लक्ष्मी, आई लव यू लक्ष्मी, आई लव यू लक्ष्मी। करण, तुम ऐसे चुपचाप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। आज मैं चाहती हूं कि तुम कुछ बोलो, शरारत कर। मैं नहीं जानती थी करण कि तुम्हारी इन शरारतों के पीछे एक समझदार आदमी छुपा हुआ है, जो एक औरत की मर्यादा उसकी गरिमा को समझता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है करण, पर क्या तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका नहीं दोगे? करण प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी हसमुख, लक्ष्मी करण, हसमुख ये ठीक तो है? नहीं बापूजी, करण ठीक नहीं है, और जब तक करण ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ भी ठीक नहीं है बापूजी। लक्ष्मी संभालो अपने आप को, करण को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा हसमुख, तुम कैसे हो? तुम्हें भी तो काफी चोट। कौन थे वो लोग बताओ मुझे, ये सब हुआ कैसे बताओ? करण तो राजपिपला छोड़ के जाने वाला था, फिर उसे किसने मारा, क्यों मारा? सूर्यकांत भाई पता नहीं, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा ना तो कुछ गुंडे बदमाश लोग मिलकर करण को मार रहे थे। बाद में पुलिस आई और गुंडे को पकड़ कर ले गई। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं। बताओ किसके आदमी हो, क्यों मारने थे करण को, बताओ। बताता हूँ। इस डंडे से तो अच्छे अच्छे गुंडे भी बोलते हैं। मुझे करण को मारने के लिए रसीली भाई ने भेजा है।
सूर्यकांत जी, रसीली बाई ने भेजा उसे। सुन लिया मैंने इंस्पेक्टर, अच्छी तरह जानता हूं ऐसी औरतों को। ऐसी सजा देना इस रसीली बाई को कि दोबारा राजमाता बनने की हिम्मत ही ना हो उसकी। दूसरों को मार खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें रसीली बाई, अब चलो तुम्हें हवालात की हवा खिलाता हूं। आज तक ये हाथ पकड़ने की गलती किसी ने नहीं की, आइंदा ऐसी गलती आप भी मत करना। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं जाओगी तो मुजरिम को हमें जबरदस्ती भी ले जाना आता है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ये रसीली का कोठा है, आपकी सरकारी हवालात नहीं। ये हथकड़ी खोलिए और मुझे जाने दीजिए। अब ये हथकड़ी तो हवालात के दरवाजे के साथ ही खुलेगी, चलो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, जानते नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। गरोडिया परिवार के रिश्तेदार हैं हम। अच्छा, अरे इस बात का ऐसा जवाब दूंगी। मिल गया जवाब, आइंदा गरोडिया परिवार का नाम अपनी गंदी जुबान पर कभी मत लाना। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे, ले जाइए इसे यहां से। चलो। करण, आंखें खोलो करण। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। इतनी परवाह है तुम्हें मेरी कर? लक्ष्मी, तुम्हें मेरी परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यहां पे मुझे छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें मेरी कंपनी तो कभी अच्छी लगी नहीं, पर तुम यही चाहती थी ना कि मैं कभी तुम्हें परेशान ना करूं। ठीक है, तो ये करण आज तुमसे प्रॉमिस करता है कि जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और मैं ठीक होते ही राजपिपला से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। करण। हाँ लक्ष्मी। युवराज, युवराज, युवराज जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम्हारी मदद की इसी वक्त जरूरत है। युवराज, कजरी तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम चिल्ला क्यों रही हो? युवराज चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे साथ चलो। कहाँ? युवराज सवाल मत पूछो, मुझे तुम्हारी अभी इसी वक्त मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। युवराज, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर किसी ने हमें देख लिया
तो और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, चली जाओ यहां से। हिराज, पर तुम किससे बातें कर रहे? बेशरम हो तुम। मैंने कहा था ना, आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। हाँ, मैं कैसे भूल गई कि ये कोठे वाली है, और कोठे वाली को शर्म कहां से होगी। चली जाओ यहां से, चली जाओ। युवराज, हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते, तुम बताओ बात क्या है। गोरड़िया परिवार में दोबारा से अपने पैर जमाने के लिए आई होगी ना राजकुमारी पवित्रा। हाँ, और इसीलिए युवराज से मदद मांगने आई है कजरी। युवराज, मैं इस मुसीबत में किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। युवराज, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, प्लीज। युवराज, युवराज मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो युवराज। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है युवराज। युवराज मेरी मदद करो युवराज। कजरी, कजरी, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता, और ना ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, समझी तुम? गेट आउट फ्रॉम हियर। माधव काका। जी युवराज बाबा। अभी और इसी वक्त इसे घर से बाहर निकालो। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चलो यहां से। युवराज, चलो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। युवराज, जस्ट गेट आउट। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। लक्ष्मी, हमारे साथ घर चलो और थोड़ा सा आराम कर लो, प्लीज। करण को यहाँ अकेला छोड़कर? पर लक्ष्मी, नहीं दीदी, मैं उसे इस हालत में यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। उसने तो मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दी, पर अब मैं भी उसे मेरे हालात के बारे में बताना चाहती हूँ। दीदी, आप लोग जाइए, लेकिन लक्ष्मी, मैं करण से बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। करण कहाँ चला गया?
नर्स, इस बेड पर जो पेशेंट थे मिस्टर करण माथुर, वो कहाँ है? मैडम, मिस्टर करण माथुर तो एक घंटे पहले डिस्चार्ज होके चले गए। क्या? जी हाँ मैडम। दुर्गा दीदी, करण हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला गया। फौजी, आप लोगों को मालूम है वो कहाँ गया है? मुझे इससे जरूरी बात करनी है। करण तो राजपिपरा छोड़कर जा रहा है, आधे घंटे के बाद उसकी ट्रेन है। नहीं, वो रेलवे स्टेशन जा चुका है। करण नहीं जा सकता, मैं करण को नहीं जाने दूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, रिक्शा, रेलवे स्टेशन चल रहा है। जी जी बैठिए। चलिए, भैया भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। रिक्शा खराब हो गया मैडम। अरे भैया जल्दी कीजिए ना। नहीं हो रहा है मैडम तो क्या करेगा। Okay.